और येलो को खोल के दिखाता हूँ भाई इसके अंदर है क्या रियलिटी में। तो भाई ये देखो ये है इसके अंदर, सही है, मतलब ये फ्लैशर के साथ जलती है और दो दो पट्टियाँ देखो इसकी, एक पट्टी ये रही और एक पट्टी इसके पीछे। भाई इसकी वीडियो अलग से मिलेगी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत आपका फिजिक प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है भाई वो दूसरे कपड़े में स्टार्ट हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई पहली और जो वीडियो स्टार्ट हो रही है भाई वो हो रही है बिल्कुल सुबह सुबह से, अभी जो मॉर्निंग हुई है मतलब 11-12 बज रहे हैं भाई अप्रॉक्स। तो भाई आज की इस वीडियो में हम खरीदने वाले हैं हमारी बाइक के लिए कुछ लाइट्स खरीदने वाले हैं। भाई लास्ट वीडियो मैंने तुमको दिखाई थी कि मेरी बाइक अंधेरे में थी मेरे फ्यूचर की जैसे, तो भाई मैं और इसको ज़्यादा फ्यूचर को अंधेरे में नहीं रख सकता, मतलब मेरा फ्यूचर तो अंधेरे में, गाड़ी को ज़्यादा अंधेरे में रख सकता। भाई आज की इस वीडियो में हम इसमें कराएंगे इंस्टॉल, लाइट्स इंस्टॉल कराएंगे भाई छोटी छोटी, तुमको मैं लाइट दिखाऊंगा, एक यहाँ पर इंस्टॉल करवाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल करवाएंगे। तो आज के अंदर मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं अपन, एक थोड़ा सा अच्छा मॉडिफिकेशन करवाएंगे, मतलब 1000 रुपये तक का मॉडिफिकेशन करवाएंगे क्योंकि वो लाइट अप्रॉक्स कम से कम 1000 रुपये की तो पड़ेगी भाई और इंस्टॉलेशन का भी अलग से पैसा लगेगा। तो आज यही करने वाले हैं अपनी बाइक के अंदर, तो मॉडिफिकेशन वाली वीडियो तुमको या तो इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी, क्योंकि मैं अभी तो मैं वीडियो के अंदर तुमको दिखाऊंगा कि भाई मैं कहाँ से खरीदता हूँ, कितने रुपये पड़ती है, क्या क्या पड़ती है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुमको इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा। हो सकता तो एक वीडियो के अंदर रख लूंगा, नहीं तो अलग अलग वीडियो के अंदर रखूंगा, जितना हो पाएगा उतना मैं ट्राई करूंगा भाई। तो यहाँ पे मैंने मोटर व्लॉगिंग सेटअप पूरा रेडी रख रखा है भाई, ये मेरा जीरो टुकड़ा भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं है भाई, तुम सही चीज़ बताओ तो यही है। तो सारे क्लिप्स वगैरह तुम देखते हो सब कुछ यहाँ पे आ पाती है, सब कुछ यही करता है भाई, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बोलता हूँ भाई, बोलता रहता हूँ, सब कुछ शूट ये करता है, सब कुछ यही करता है भाई। बाकी वहाँ पे देख लो तुम, अरे इसको मैंने लगा के रखी है, प्यारी तो लगती है यार, कुछ ही कहो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है भाई ये, कुछ होता है ना कि मतलब कि धोखा देता है प्यार, ये करता है वो करता है, धोखा देता है बट प्यार साथ रहता है, वैसे ही मेरा प्यार साथ है भाई, तो इसने मेरा हर जगह पे साथ दिया, मेरे पड़ा भी रहा तो ये भी मेरे साथ पड़ी रही, मतलब मेरे से पहले ये उठी नहीं, मैं पहले उठा फिर ये उठी भाई, मतलब कि इतना प्यार करता हूँ मैं इस बाइक से, बहुत ज़्यादा, अनगिनत, इन्फिनिट, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो अपन बाइक वगैरह उठाते हैं, निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। फाइनली गाइस अपन निकल चुके हैं अपने घर से और भाई वही छोटे मोटे रास्ते पे हम चलते हुए दाजेड़ हो। तो भाई मौसम वगैरह हो रहा है एक नंबर, मस्त मस्त सा मौसम हो रहा है डार्लिंग साइड में, और भाई हम निकले हैं हमारी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाने। भाई साहब ये बाइक एक बार ठीक हो जाए लोग इसको ऐसे नहीं जानेंगे, वो देखो जा रही पल्सर RS 200, लोग ऐसे जानेंगे भाई देख वो जा रही क्या मॉडिफाइड पल्सर RS 200 है, ऐसी मॉडिफाई करवाना भाई इसको। अभी कुछ टाइम रुक जाओ अभी जब तक ये बाइक ठीक नहीं होती, और आप ये इस वीक के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मतलब पापा की अच्छी खासी जेब ढीली होगी 10-12 हज़ार रुपये की, जो कि होनी है और वो तो होके रहेगी चाहे कितना ही वेट कर लें। और वो क्या है मैं सोच रहा हूँ कि जब तक पार्ट है ना प्रॉपर, एक पार्ट आया था इसका साइड की फेयरिंग BS4 की, अब BS4 में भाई साहब उसमें वो नहीं स्टिकरिंग वगैरह नहीं, तो फिर मैंने सोचा भाई जब मैं पैसे काट रहा हूँ और मैं चील लगवा रहा हूँ, जो एक चीज़ एक बार लग गई फिर वो भाई वो जब बाद में चेंज होगी जब टूटेगी फूटेगी तब चेंज होगी, तो उससे बड़े कम से कम एटलीस्ट थोड़ा टाइम वेट करके पूरी ढंग की चील लगवाएं ना। तो फिर उस दिन मैंने ना ऑर्डर करवाए थे इसका वापस BS6 वाला पार्ट जिसके अंदर बैजिंग वगैरह 200 सब कुछ लिखा था ना, वो मैंने उस दिन ऑर्डर करवाई थी भाई, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी इसका प्रोजेक्टर वगैरह इसके साइड की। और बाकी देखो मैं तुमको सच बताता हूँ मेरे को इतना भरोसा है शोरूम वालों पे कि वो पूरी चीज़ तो ऑर्डर करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें अंधों में काना राजा होता है ना एक सीन, अब क्या करें जब कोई नहीं है तो उन पे भरोसा है भाई चल रहा है जो काम चल रहा है, अब देखते हैं। बाकी मेरे को भरोसा है कि सारी चीज़ तो एक बार में नहीं मंगाएंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई मैं रहा हूँ जब टंकी का कलर कौन सा टंकी मंगा रही है कौन सी टंकी आ रही है ये अच्छी मैं उस टाइम ही समझ गया था कि ये तो चीज़ भाई कभी ना हो सके सही। भाई साहब अंकल चल रहे हैं हमारे पास, यह मेरा बचपन जब मैं छोटा बच्चा था छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया बड़ी शरारत करता हूँ, कॉपीराइट दे दें भाई इन पे कॉपीराइट तो ऐसे लगता है जैसे भाई तुम्हारे करेक्टर पे उंगली उठ जाती है ना, वैसे कॉपीराइट लगा रहे हैं आजकल भाई साहब यूट्यूब वाले, तगड़े काम कर रहे हैं भाई, मतलब डर सा लगने लग गया मेरे को यूट्यूब वालों से, कॉपीराइट ऐसे मारते हैं आजकल। मैंने कहा यार भाई छोड़ दो गरीब आदमी यार 2 रुपये कमा रहा हूँ कमा लें, तो यार 100 का पेट्रोल पाड़ के 10 रुपये कमाता हूँ, दे दे तू दे दे मेरी छाती में चढ़ा दे इसको मेरी छाती में दे दे। अंकल डर गए बोले ये साला पागल है क्या किससे बात कर रहा है ये तो पागल है साला। बाकी भाई यहाँ पे अपनी लाइट मिलेगी एक बार तुमको दिखाता हूँ, लाइट अपन अलग जगह से खरीदेंगे और लगवाएंगे उसको अलग जगह पे, तो पहले लाइट खरीदते हैं भाई फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और येलो वाली येलो जल रही है दोनों जल रही है और वाइट वाली अलग जलाएं तो सही है। ये अपन ने खरीदी है ये सब चीज़ें तुम देख लो, एक लाइट खरीदी है मैं नंबर प्लेट पे लगाने के लिए, ये बाइक मैं पीछे लगाऊंगा इसकी भी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये भी मिलेगी तुमको चैनल पे। एक अपन ने खरीदी ये लाइट और एक खरीदी अपने ये लाइट, अब मैं तुमको इसको खोल के दिखाता हूँ भाई इसके अंदर है क्या रियलिटी में। तो भाई ये देखो ये है इसके अंदर प्रोजेक्टर,
जो अपन इंस्टॉल करने वाले हैं, दो दो प्रोजेक्टर भाई ये इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक के अंदर। तुम देख लो भाई, एक नंबर चीज लग रही है, और ये इसका स्विच है भाई 3-in-1, ये दो कलर के अंदर चलती है भाई लाइट, तो ये रहा इसका 3-in-1 स्विच भाई, ये चीज़ ये रही 3-in-1, तो ये अपन इंस्टॉल करेंगे इस बाइक के अंदर भाई। पूरा इंस्टॉलेशन मैं तुमको दिखाऊंगा, मतलब कि सारी चीज़ दी गई है भाई इसके अंदर। ये दो दो लाइट खरीदी अपन ने, और ये पूरा प्रोजेक्टर अंदर बहुत तगड़ा फॉक्स है भाई इसका। और भाई ये जो प्रोजेक्टर है ना, ये 2-in-1 है भाई, इसके अंदर दो दो लाइट्स है। तो अंदर की साइड मैंने इसके अंदर येलो भी है, ऊपर वाली येलो की है, बीच वाली मतलब कि बीच के अंदर दोनों चलती है, और यहाँ पे व्हाइट है। और ये बीच का जो है ना, ये हाई बीम है इसका, और ये दोनों ना लो बीम है, ये दोनों ऊपर नीचे की, येलो का लो बीम है, ये व्हाइट का ये लो बीम है, ये इसके अंदर ये फंक्शन है। और यहाँ पे ये जो लाइट लिया मैंने, ये भाई दो के अंदर चलती है, मतलब दो दो फंक्शन है इसके अंदर, मतलब ये फ्लैशर के साथ चलती है। और दो दो पट्टियाँ देखो इसकी, एक पट्टी ये रही और एक पट्टी इसके पीछे भाई। इसकी वीडियो अलग से मिलेगी तुमको, और इसकी वीडियो अलग से मिलेगी। ये रही एक लाइट, ये रही एक लाइट यहाँ पे इसके अंदर, ये दोनों मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और दूसरा इसका स्विच भाई, ये स्विच ही भाई 100-200 रुपए का तो स्विच है भाई, ये अप्रॉक्स 120 रुपीस का स्विच है। और मतलब इसकी लाइट की प्राइसिंग वगैरह ना मैं तुमको अलग वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा भाई सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन के साथ साथ बता दूंगा। मैं तुमको इसका स्विच दिखाता हूँ भाई, मतलब स्विच है ना इतनी तगड़ी चीज़ है ना, अभी निकाल के दिखाता हूँ। देखो इसका स्विच, मतलब इसके अंदर 3-in-1 है भाई ये स्विच के अंदर, ये देखो स्विच निकल गया यहाँ पे। तो ये स्विच जो है ये 3-in-1 है भाई, देखो 1, 2, 3, ये बीच के अंदर बंद होता है, यहाँ पे व्हाइट जलेगी, यहाँ पे येलो जलेगी, तो ये 3-in-1 स्विच है भाई। ये कॉस्ट ही था मेरे को पड़ा था 150 के अप्रॉक्स पड़ा था ये स्विच। और ये अपने ना हैंडल पे इंस्टॉल हो जाता है भाई यहाँ पे, ये भी चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, फ्लैशर का यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे भाई, ये अच्छा से लगेगा इसके अंदर और मस्त लगेगा। तो अपन है ना अब इसकी है ना इसको फिट करवाते हैं अपनी बाइक के अंदर। तो भाई फाइनली अपन ने बाइकों की चीज़ें तो ले लिया भाई, ये रही बाइक की चीज़ें, और भी मैंने बहुत सारी लाइटें ली है, मतलब 1000 रुपये खर्चा कर दिया अच्छा खासा सुबह सुबह मैंने, मतलब गाड़ी की चिज्जी ली है भाई, ट्रॉफी लिया गाड़ी के लिए, दो तो लाइट ली है और एक नंबर प्लेट पे लाइट लगाने के लिए कंटाप चीज़ है वो भी भाई, मतलब हो गया मोटा खासा अच्छा खासा खर्चा हो गया। मतलब इतनी लाइट लगा दूंगा इस पर, पूरी वो कर दूंगा डीजे ऐसा कर दूंगा, पूरा माहौल बना दूंगा इसका। लेकिन ये है, ये छपरी वाले मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा भाई, लाल पीली कर नहीं करवाऊँगा मैं। तुम बोलो हरी करा दे इसको, मैं हरी नहीं कराऊँगा इसको, गाड़ी बेच दूंगा जैसे, ये हरी फरी नहीं होती मेरे से। हम भे यार बाकी और कुछ भी करा लो मेरे से भाई साहब, इसका एक्सेलरेशन तो बिल्कुल जीरो है, ऐसा लगता है प्लेटिना चला रहा हूँ, पर अभी प्लेटिना ही सही है भाई, एटलीस्ट प्लेटिना तो है अभी। बहुतों पे तो प्लेटिना भी ना है भाई, ये भी बहुत बड़ा टाइम है, अगर आप पे ये सब है तो तुम इसको इंजॉय करो, अगर इसको भी इंजॉय नहीं कर पाओ तो फिर तुम मर जाओ। दैट्स ऑल, ये देखते हैं भाई लग पाती नहीं लग पाती, आज नहीं तो कल ये वीडियो तुमको आज मिल जाएगी मेरी देखने के लिए मॉडिफिकेशन के लिए, बाकी जो होता है देखते हैं। आज आ लग जाएगी तो बहुत बढ़िया है, आज नहीं तो कल लग जाएगी भाई, वीडियो तुमको मिलनी है, बिना वीडियो के कोई कुछ काम होगा नहीं मेरा भाई, बाकी बहुत दूर आना पड़ता है भाई ये सब मॉडिफिकेशन कराने के लिए भी भाई। भाई हमारे दौसा में क्या है, प्लेटिना के अलावा कभी कुछ खोलना सीखा ही नहीं, प्लेटिना स्प्लेंडर बस, दैट्स ऑल, ख़त्म ही ख़त्म हो जाता है उनकी ज़िंदगी। अब ये गाड़ियों को भाई कराने के लिए, अरे भाई यार तू गिर मत जाइए यार भाई, डर लग रहा है तेरे पे खर्चा किया मैंने अभी, तू गिर मत जाइए, हवा भर रही ना जैसे मेरे दिल की हार्ट बीट तेज हो जाती है जब आवाज़ आती है थैली की जब से भाई। लेकिन यह एक बारी बस सही हो जाए, सही होने के बाद तुम देखना इसका मॉडिफिकेशन, एक नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन तुमको दिखेगा इस आर एस के अंदर, मतलब सामने से आती हुई पहचान में नहीं आएगी भाई ये आर एस है कि नॉर्मल क्या भाई के भाई है। फिर इंजन लाइट्स वगैरह फ्लैशर्स वगैरह तगड़ी चीज माहौल बना देंगे कतई भाई। तो भाई मैं होप करता हूँ तुमको वीडियो वगैरह होगी मेरी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगा करना है वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल में चैनल सब्सक्राइब करना है, मिलते के पैर क्या, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो।